नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपके दो एग्ज़ाम एक ही दिन के अंदर पड़ जाएं तो उस स्थिति में आप क्या करें। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले है डिफरेंट टाइमिंग्स। अगर आपकी टाइमिंग डिफरेंट हो, एक ही दिन के अंदर एग्ज़ाम तो पड़ रहा है लेकिन एक एग्ज़ाम सुबह है 10 बजे से है और एक एग्ज़ाम 2 बजे से है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना एक एग्ज़ाम सुबह दे सकते हैं और एक एग्ज़ाम अपना दिन में जो एग्ज़ाम होगा 2 बजे वाला वो अपना दे सकते हैं और उसमें कोई किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया पहला केस। दूसरे केस की बात करें, जब एक ही टाइमिंग भी एक ही हो, यानी कि एक ही दिन के अंदर एग्ज़ाम पढ़ रहा है और दोनों एग्ज़ाम मॉर्निंग में ही पढ़ गए या दोनों एग्ज़ाम 2 बजे वाली सिर्फ या इवनिंग में ही पढ़ गए, तो उस स्थिति में आप क्या करें। तो इस स्थिति में आपको एक एग्ज़ाम जो है वो छोड़ना पड़ता है, एक एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो दो एग्ज़ाम है उनमें से कोई एक एग्ज़ाम ही आप दे सकते हैं, दूसरा एग्ज़ाम जो है वो आपको लीव करना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक, आप दोनों एग्ज़ाम नहीं देंगे, दूसरा एग्ज़ाम आप 6 महीने बाद दे सकते हैं। ठीक, आप 6 महीने बाद दे सकते हैं दूसरा एग्ज़ाम, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो साथ में होते हैं, जैसे PHE 1 एंड 2, PHE 4 एंड 5, CHE के भी सब्जेक्ट हैं कुछ जो कि 2-2 क्रेडिट के हैं और दोनों मिलाकर 4 क्रेडिट के होते हैं। अगर आप अपना जब आपने सब्जेक्ट लिए हैं तो वो साथ में 2-2 क्रेडिट के वो एक साथ होते हैं, तो इस तरह के अगर कुछ सब्जेक्ट हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है वो एक साथ ही हो जाता है। ठीक, तो आप याद रखिए MTE के भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 2-2 क्रेडिट के हैं और दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होता है और एक ही दिन पड़ता है, तो उनका आप एग्ज़ाम एक ही दिन एक ही समय पर दे पाएंगे क्योंकि वो 1.5-1.5 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं। 1.5 घंटे का एक एग्ज़ाम चलेगा, 1.5 घंटे का दूसरा एग्ज़ाम चलेगा। उसी तरह से PHE 1 और 2 में भी इस तरह से होता है, 1.5 घंटे के लिए PHE 1 होगा, 1.5 घंटे के लिए PHE 2 होगा। ठीक, PHE 4 5 में भी ऐसा ही होता है, 1.5 घंटे के लिए PHE 4, 1.5 घंटे के लिए PHE 5 होगा। ठीक, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं तो उनमें आप दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम होंगे जितने भी 4-4 क्रेडिट के एग्ज़ाम हैं वो अगर दोनों एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पड़ जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, दूसरा एग्ज़ाम आप 6 मंथ बाद दे सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है कि ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।